नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना कैसा जाने वाला है, ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण होने जा रहा है। इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं कि कन्या राशि वाले जातकों को इन तीन महीनों में किस क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिलेगी और कहां पर असफलता और चुनौतियां निर्मित होंगी। तो कन्या राशि वाले जातकों की चंद्र राशि के ऊपर यह फलादेश आधारित रहेगा, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसमें कन्या राशि का करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कन्या राशि के लिए कुछ विशेष उपाय। उपाय के दौरान कन्या राशि वाले जातकों को एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसको यदि आप कर लेंगे तो हर प्रकार की जीवन में चुनौतियां दूर होंगी। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई यदि समस्या है वो दूर होगी। धन संबंधी समस्याएं जीवन से समाप्त होंगी। करियर से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त होंगी और मान सम्मान में वृद्धि भी जरूर होगी। राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पूर्व ग्रह स्थितियों की जानकारी आपको दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले इस राशि की तीन अच्छाई और तीन बुराई के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के अंदर ऐसी कौन कौन सी कमियां मौजूद हैं जिसकी वजह से इनको बार बार असफलता और चुनौतियां और प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में मिलती है और बार बार असफलता इनको अर्जित होती है। तो देखिये, कन्या राशि बुध से प्रभावित राशि है। भचक्र मंडल की यह छठवीं राशि मानी जाती है। इस राशि के स्वामी बुध देव हैं। पृथ्वी तत्वी राशि मानी जाती है और नकारात्मक राशि है। कन्या राशि वाले जातकों के अंदर आकर्षण व्यक्तित्व का गुण होता है। सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित करते हुए अपने वाणी के द्वारा नजर आते हैं। कन्या राशि वाले शर्मीले होते हैं, हसमुख स्वभाव के भी होते हैं। साथ में क्रिएटिविटी इनके अंदर बहुत ज्यादा मौजूद होती है। कन्या राशि के जातक जीवन में किसी भी व्यक्ति की नकल उतारने में या सामने वाले व्यक्ति की एक बार बताई गई बातों को इतना जल्दी सीख लेते हैं, यानी बौद्धिक शक्ति इनकी बहुत अच्छी होती है। कैचिंग पावर इनकी अन्य सभी राशियों की अपेक्षा सबसे श्रेष्ठ और बेहतर मानी गई है। तो कन्या राशि वाले जातकों के अंदर दाम्पत्य जीवन में भी श्रेष्ठता देखने के लिए मिलती है। दाम्पत्य जीवन में भी ये जातक अच्छी तरह से चलते हैं, साथ में मान सम्मान अर्जित करते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, संगीतज्ञ होते हैं और कन्या राशि वाले जातक मार्केटिंग के क्षेत्र में बहुत ज्यादा सफल देखे गए हैं। प्रतिकूल और विपरीत परिस्थितियों में फंसने के बावजूद भी अपनी सूझबूझ के द्वारा ये जीवन में बाहर निकल आते हैं। तो ये कन्या राशि वाले जातकों की खूबियां हैं। अब तीन कमियां कन्या राशि वाले जातकों की बता रहे हैं कि ऐसी कौन सी कमियां हैं जो कन्या के अंदर मौजूद हैं। तो पहले इनकी सबसे बड़ी कमी है, देखिए, कन्या राशि जो राशि है वो वायु तत्वी राशि है। भावनात्मक प्रवृत्ति इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, भावुक होते हैं। इसका लोग फायदा इनके जीवन में बहुत ज्यादा उठाते हैं। भावना की प्रधानता होने के कारण कन्या राशि वाले जातकों के अंदर क्षण में गुस्सा की प्रवृत्ति और क्षण में क्रोध आने की प्रवृत्ति देखने के लिए मिलती है। तुरंत संकल्प लेने की प्रवृत्ति इनके अंदर जागृत हो जाती है। कभी कभी सामने वाले व्यक्ति को ये तुरंत भांप नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, विश्वास भी करते हैं, उनको धोखा भी मिलता है भावुक होने के कारण। दूसरी इस राशि की सबसे बड़ी कमी है आंख मोदकर सामने वाले व्यक्ति के ऊपर भरोसा करना। जी हां, कन्या राशि वाले जातकों के अंदर ओवर एक्सपेक्टेशन की प्रवृत्ति होती है। सामने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सामने वाले व्यक्ति के ऊपर अपने कार्यों को छोड़ते हुए भी ये काफी ज्यादा देखे गए हैं, भरोसा करते हुए देखे गए हैं बिना सोचे समझे। फलस्वरूप इनको जीवन में कई बार चुनौतियां और असफलता मिलती है। इस राशि की तीसरी सबसे बड़ी कमी है
इस राशि का आलस्य, जी हाँ, समय प्रबंधन की कमी होती है, आलस्य की परिपूर्णता होती है। शाही अंदाज के कन्या राशि वाले जातक होते हैं, जिसके कारण आत्मविश्वास के साथ किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, कुछ समय के पश्चात उस कार्य में इनके अंदर ढीलेपन आता है, यानी कार्य में डिले करते हैं। आलस्य होने के कारण इस राशि वाले जातकों में यह पाया गया है कि कार्य को कभी कभी ये बीच में ही छोड़ते हुए भी देखे गए हैं। अपने जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को भी ये आलस के कारण अस्वीकारते हुए भी पाए गए हैं। इस राशि की चौथी सबसे बड़ी कमी है इनका संकोची स्वभाव। जी हां, कन्या राशि वाले जातकों के अंदर संकोच की प्रधानता होती है, जिसके कारण अपने जीवन में अपने भावों को, अपने विचारों को सही समय पर व्यक्त नहीं कर पाते हैं। फलस्वरूप इनके जीवन में अच्छे अच्छे अवसर भी चले जाते हैं। तो ये चार कमियां कन्या राशि वाले जातकों की हमने आपको बताई है। वीडियो जब आने वाला अन्य वीडियो होगा तो उसमें कन्या राशि वाले जातकों की अन्य कमी के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो ये कमियां आप जरूर दूर करें। अब ग्रह स्थितियों की जानकारी आपको देते हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के लगन में किसी प्रकार के ग्रह नहीं रहेंगे। राहु देव आपके राशि के भाग्य भाव में, केतु राशि के पराक्रम भाव में 12 अप्रैल तक गोचर में रहने वाले हैं। 12 अप्रैल को राहु देव आपके राशि से अष्टम में और केतु राशि से धन भाव में गोचर करने वाले हैं। राशि स्वामी बुध शनि मंगल के साथ आपके राशि के पंचम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र मंगल की युति फरवरी की शुरुआत में राशि के चतुर्थ में बनी रहेगी। गुरु राशि से छठवें भाव में, यानी रोग भाव में गोचरी स्थितियों में 12 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। उसके पश्चात गुरु आपके राशि के सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो भाई हम आपको बताते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए राशि फल। तो देखिए, करियर की अगर जानकारी दिया जाए, कर्म भाव के स्वामी बनते हैं बुधदेव, जो इन तीनों महीनों में शुभ स्थितियों में रहेंगे, शुभ संभावनाओं के साथ रहेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कन्या राशि वाले जातकों को, व्यवसायी जातकों को फरवरी के महीने में बड़ा लाभ होगा। मार्च के महीने में सफलता की मार्ग आपके जीवन में ज्यादा दिखाई देंगे, भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। नई नौकरी प्राप्ति के लिए यदि आप प्रयासरत हैं, किसी प्रकार का कार्य आपके जीवन में नहीं है और एक ऊर्जा के साथ आप कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आपके जीवन में नई संभावनाएं आती हुई भी दिखाई देगी। सरकारी क्षेत्र में, राजनीतिक जीवन में जुड़े हुए कन्या राशि वाले जातकों के लिए विशेष सफलता की संभावना इन दोनों महीनों में, फरवरी और मार्च के समयावधि में दिखाई देने वाली है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए यदि आप व्यापार में बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो विशेष सावधानी जरूर बरतें। धन को लेकर यदि जानकारी दिया जाए तो इन तीनों महीनों में धन का जो मामला रहने वाला है, तो चूंकि धन भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं जो मंगल के साथ राशि के सुख भाव में गोचरी स्थितियों में रहेंगे, तो धन के मामले में कन्या राशि वाले जातकों के लिए स्थितियां औसत बनी हुई तीनों महीनों में रहेंगी, जिसमें कन्या राशि के बहुत सारे जातकों को विदेश से संबंधित धनों की प्रबल संभावना बनी हुई है। यदि पूर्व के समय से खर्च आपका बढ़ा हुआ था और आमदनी में कमी देखने के लिए मिल रही थी, उसके दूर होने की प्रबल संभावना दिखाई देगी। सरकारी कार्य से धनार्जन होगा। यदि पूर्व के समय से कर्ज बना हुआ था, कर्ज को आप निपटाते हुए नजर आने वाले हैं। साथ में कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में भवन, वाहन, भूमि का विशेष सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें आपको श्रेष्ठता देखने के लिए मिलेगी। परिवार के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, परिवार भाव के स्वामी बनते हैं गुरु, जो राशि से छठवें भाव में रहने वाले हैं और परिवार भाव पर मंगल और शुक्र की युति गोचरी स्थितियों में बनी रहेगी, तो कहीं ना कहीं कन्या राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक जीवन में परिवार का कम सहयोग देखने के लिए मिलेगा। परिवार में एक ओर सकारात्मकता का भाव भी उत्पन्न होगा, वहीं दूसरी ओर व्यर्थ का वाद विवाद भरी स्थितियां भी निर्मित होंगी, इसलिए बेहद शांतिपूर्वक चलने की प्रबल आवश्यकता आपको रहने वाली है। भाई बहनों का सहयोग तो जरूर दिखाई देने वाला है। फरवरी का महीना परिवार के मामले में
काफी ज्यादा प्रतिकूल है, इसलिए यहाँ पर सावधानी जरूर बरतें, किसी प्रकार की गलतफहमी व्यक्तिगत संबंधों में जुड़े हुए जातकों के साथ न उत्पन्न करें। शिक्षा के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम और श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाले हैं। यदि आप परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं और कई बार आपको असफलता अर्जित हो चुकी है, उसमें आपको विशेष सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। साथ में कन्या राशि के ऐसे जातक जो शिक्षा के साथ साथ संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य या ऐसी विधाओं में संलग्न है जिससे आपका व्यक्तिगत विकास हो, तो यहां पर आपके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। कन्या राशि वाले शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों की उन्नति अच्छी खासी दिखाई दे रही है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंध इन तीनों महीनों में औसत रहने वाला है। ना तो ज्यादा किसी प्रकार की समस्या देखने के लिए मिलेगी, ना तो ज्यादा आपके संबंध बेहतर रहेंगे। इसमें जो आपके लिए समय रहेगा, 26 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक प्रेम संबंध में अति आवेग पूर्ण वातावरण निर्मित ना करें। व्यक्तिगत संबंधों में जुड़े हुए जातकों को कड़वे वचन का प्रयोग नहीं करना है। वैवाहिक जीवन के मामले में यदि कन्या राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, देखिए आपका कन्या राशि वाले जातकों का वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है। पूर्व के समय से कन्या राशि वाले जातकों को लगातार वैवाहिक चुनौतियां देखने के लिए मिल रही थी। पार्टनर को लेकर कई प्रकार की समस्या मिल रही थी, वह दूर होने की प्रबल संभावना दिखाई देने वाली है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए कन्या राशि वाले जातकों के संतान की उन्नति विशेष रूप से दिखाई दे रही है जातकों, तो यहां पर आपके लिए संतान के लिए हर्ष का विषय रहेगा। मन में प्रसन्नता देखने के लिए कन्या राशि वाले जातकों को मिलने वाली है। संतान की सेहत का आपको विशेष रूप से ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, सेहत का विचार राशि के छठवें भाव से किया जाता है। इस भाव के स्वामी शनिदेव स्वराशिगत होकर गोचर में रहने वाले हैं। कन्या राशि वाले जातकों को पेट से जुड़ी हुई समस्याएं 50 वर्ष से अधिक आयु वाले जातकों को ज्यादा दिखाई देगी। बृहस्पति का छठे भाव में गोचर होना कन्या राशि वाले जातक वसा की समस्या आपको दिखाई दे सकती है। तले भुने भोज्य पदार्थों का आपको कम सेवन करना है। वसा युक्त भोज्य पदार्थों का आपको कम सेवन करना चाहिए, अन्यथा वजन बढ़ने की समस्या आपको जीवन में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से परेशानी दे सकती है। इन तीनों महीनों में कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह सावधानी रखना है, 7 अप्रैल से पूरे अप्रैल के महीने में आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है, अन्यथा कुछ चुनौतियां मिल सकती है। कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन शैली को सुधार कर जरूर चलें। शांतिपूर्वक वातावरण में रहने पर विश्वास रखें। योग ध्यान प्राणायाम जरूर करते रहें। तब कन्या राशि के लिए कुछ धार्मिक उपाय यदि आपको बताएं, तो सबसे पहले एक विशेष और खास उपाय आपको जानकारी दे रहे हैं। इसकी शुरुआत आपको सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन से करनी है। माँ दुर्गा की प्रतिमा घर में पूजा स्थल पर स्थापित कर लें। किसी प्रकार की समस्या यदि आपके जीवन में हो तो आपको करना क्या है, स्नान ध्यान और दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर आपको सूर्योदय के समय सुबह 5:40 से लेकर और 7:20 की समयावधि में यह आराधना आपको करनी है। दुर्गा सप्तशती का कुछ अध्याय हम आपको बता रहे हैं, इसको आप नोट कर लें। इसका आपको जप करना है, पाठ करना है। पहला अध्याय, चौथा अध्याय, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय और 11वां अध्याय। दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं, जिसमें इन अध्यायों को जिसका हमने अभी नाम लिया है उसका आप पूर्ण रूपण पाठ करें। उसके उपरांत जब आप पूजा स्थल पर पाठ करने के लिए बैठें तो एक स्वच्छ लोटे में या तांबे के लोटे में जल भरकर आपको सामने अपने रखना है और पाठ करने के उपरांत साष्टांग प्रणाम माँ दुर्गा को करना चाहिए। जिस प्रकार की समस्या आपके जीवन में बनी हुई है
उसको अपने मनोधारणा में लेकर आपको प्रणाम करना है और उस जल का आपको सेवन करना है। उस जल को ये ध्यान रखें कि ऐसे स्थान पर आपको नहीं बहाना है जहाँ के द्वारा वह पानी सीधा नालियों में जाए। यदि संभव हो तो परिवार के सदस्यों में भी यह जल वितरित कर दें और अगले दिन पुनः यह प्रक्रिया आपको अपनानी है। समय हमने आपको बता दिया, सुबह 5:40 से लेकर 7:30 तक की समय अवधि में ये उपाय ये आपको करना है, आराधना आपको करनी है। कन्या राशि के लिए अगर अन्य उपाय की जानकारी दिया जाए तो विद्यार्थी जातकों को गायत्री मंत्र का जप जरूर करते रहना चाहिए। साथ में गरीब असहाय निर्धन वर्ग को भरपेट भोजन सोमवार के दिन जरूर खिलाएं। माता पिता का पूर्ण रूपण सम्मान जरूर करते रहें। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2022 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।